सो वेरी गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज है मेरा बर्थडे भाई, तो ऐसा कुछ लुक है आज, देख सकते हो कैसा लग रहा हो कमेंट करके बताना। तो निकलते हैं सीधे घर से। तो यहाँ पे बैठी है मेरी आमा, आमा से लेते हैं आशीर्वाद और निकलते हैं अब सीधे। हाँ, तो ऐसा कुछ भी है मेरे घर के आंगन गाँव के आंगन का है। तो मेरे साथ चल रहा है पीछे आज ब्रो, ये पहाड़ी चैनल वाला है भाई, पहाड़ी चैनल वाला, पहाड़ी गैंग चैनल वाला है। गैंग 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 सब्सक्राइब करो, गैंग सब्सक्राइब कमलेश टीरेक्स व्लॉग्स। तो ऐसा कुछ व्यू है हमारे गाँव का भाई, काफी खूबसूरत लगता है और बादल भी काफी मस्त छाए हैं और टीरेक्स ब्लॉक के मुंह में अलग ही हंसी आ रही है। yeah! इधर से कैमरा, सो गाइस कैमरा मैं पकड़ लेता हूँ इसका। वेरी एक्साइटेड, इसका महंगा गोप्रो देख के मैं एक्साइटेड हो चुका हूँ, बिकॉज हम वो फोन से बनाने वाले हैं। पहली बार देख रहा हूँ आई गॉट गोप्रो, सो काफी मजा आ रहा है गोप्रो से वीडियो बनाने में। गोप्रो से वीडियो बनाने में बहुत मजा आ रहा है। और हमारे साथ एक डॉगी भी आ रहा है। डॉगू डॉगू कहाँ गया? खड़ान है, खड़ान। हाँ यार, ये गोप्रो की आदत बहुत खराब होती है। सो गाइस, अगर आप मेरे को गिफ्ट करना चाहते हो गोप्रो तो मुझे कर सकते हो। और यहाँ पे काफी है, चूक लग रही है, बहुत चूक लगे हैं, केले भी लगे हैं और यहाँ पर कुछ और भी है, वो नहीं बताते हैं। तो ये हाँ, वो बनाना है आपको भाई साहब। ये देखो ऐसी कुछ रोड है हमारे वहाँ की। तो जेनी अभी गर्म नहीं हुई है, तो अभी आवाज उसकी थोड़ी कम टाइप की लग रही है भाई। तो ये जो राइट आया है, हिंडको रोड जा रही है, ये संस्कृत ग्राम भंतोला है भाई, इसको मान्यता भी मिली हुई है संस्कृत की। तो गाइस काफ़ी खूबसूरत सी लोकेशन आई यहाँ पे, मैंने सोचा आप लोग को भी दिखाता हूँ। तो पहले मुझे अपने गोप्रो में एंगल सेट करना नहीं आता था, आजकल थोड़ा एडजस्ट कर करके मैं करता हूँ भाई। पहले मेरे कहने सिर्फ गाड़ी की टैंकी दिखती थी भाई। मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आप लोग के साथ। मैं यहाँ पर बकरियाँ चलाने के आए हैं, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है भाई मुझे आज अपने बर्थडे के दिन ऐसी राइड करने में। तो हम काफ़ी खूबसूरत अच्छी जगह जा रहे हैं। तो भाई साहब मज़ा ही आ रहा है भाई, और डर भी लग रही है क्योंकि यहाँ पाले वाली रोड है भाई, देख सकते हो। एक तो मेरे पीछे वाला भाई भी डरता है ना थोड़ा, इनको क्लोज कर लो कह रहा हूँ। तो काफ़ी प्यारी सी लोकेशन है यहाँ पे भी। भाई तो काफ़ी प्यारे से फूल भी हैं यहाँ पे। ओ भाई कमलेश टीरेक्स व्लॉग यहाँ पे रुका हुआ है। चलो, काफ़ी प्यारी सी रोड और ऐसी मक्खन सी सीधी सीधी, तो काफ़ी मज़ा आता है भाई ऐसी रोड में भी। हवा तो सू करके लग रही है मेरे साथ अब। क्यों भाई, क्या हो गया? क्यों भाई उसमें उसमें क्यों बैठना है? हैं भाई, हल्के ही तो चला रहा था यार अभी तक गाड़ी। ऐसा क्यों कर रहे हो यार? तो सेफ आदमी देखो, ये ऐसे नागिन के जैसे दौड़ाता है, चलो निकलते हैं अब। जेनी का पेट मैंने कर दिया है फुल। निकलते हैं भाई अब पेट्रोल पंप से।
टाटा की मार्केट यहाँ से स्टार्ट हो जाती है भाई, तो हमने और भी नीचे जाना है यहाँ से, तो देखते हैं कहाँ कहाँ जा पाएंगे हम लोग, कहाँ कहाँ आप लोग को दिखा सकते हैं। बिल्डिंग है यार भाई, यहाँ पे पत्थर से बनी हुई थी, काफ़ी मस्त तराशी करी हुई है और काफ़ी खूबसूरत लगा है। तो आप अचानक से सारी मार्केट ख़त्म हो जाएगी। नीचे कोई इंटर कॉलेज है शायद, ये जो ऊपर देख रहे हो आप, ये इंटर कॉलेज है। थैंक यू संतोष दा, मिलते हैं आपसे बाद में। ओके तो हम अब उनसे अलविदा लेंगे और हम चल पड़ेंगे अपनी मंजिल को, सीधे यही वाली रोड। तो अब हम भाई रश राइडिंग भी कर सकते हैं, क्या पता। ऐसा कुछ व्यू है कांटा से यहाँ से नीचे को आगे। सामने चल के कुछ ऐसा रूट आएगा, तो आप लोगों ने सीधे वाली रोड लेनी है, ऊपर वाली जो सेरा घाट को दिखा रही है। तो भाई अब करते हैं हम गली स्टार्ट। तो गली राइड में तो काफ़ी मज़ा आता है मुझे वैसे, तो मैं गली राइड ही करूँगा। भद्रकाली को कौन सी रोड जाती होगी, यही वाली। धन्यवाद दादा। तो काफ़ी प्यारी लोकेशन है, यहाँ पे भी देख सकते हो, काफ़ी मस्त लग रहा है। एकदम से पूरा वातावरण ही चेंज हो चुका है ना। मैंने सोचा तो बहुत साल पहले से था इधर जाने का, मगर किस्मत जब जाना होता है तभी जा पाती है भाई, नहीं तो अदरवाइज आप जा नहीं सकते हो। पीसफुल इन्वायरमेंट बोलते हैं ना, तो वैसा ही फील हो रहा है मुझे यहाँ पे, शांति बिल्कुल। भाई साहब ये मोड़ तो काफ़ी भयंकर ही काटा हुआ है, देखा था ये देखो, बहुत ही अटपटा टाइप का बैंड काटा है। तो भाई हमने गाड़ी यहीं पे लगा दी है, हमने डिसीजन लिया है कि हम पैदल ही चल लेते हैं भाई, क्योंकि काफ़ी हालत डाउन हो चुकी है हमारी ठंड के उससे। तो अब चलते हैं भाई लोग, काफ़ी मस्त लग रहा है भाई ऐसी लोकेशन से गुजरने में। तो हम सोच रहे थे कि नीचे आते भाई, हम तो सीधे पैदल रोड में ही पहुंच गए भाई, हमारा डिसीजन सही था भाई, हम लोग पैदल ट्रैक करते हैं लाइव। तो अब फाइनली हम लोग पहुँचने ही वाले हैं, जस्ट ये है शायद जी का मंदिर मिला। जय हो प्रभु, हम आगे को चलते हैं। जय हो। तो यहाँ से हम जस्ट चलते हैं नीचे को, तो अंदर होते हैं हम लोग। एंटर सभी लोग, जय हो माता, सभी की फैमिली को प्यार बरसाना, और एक बार परिक्रमा कर लेते हैं पूरी मंदिर की। तो काफ़ी मस्त सा वातावरण है यहाँ, तो मैं सोच रहा हूँ एक वीडियो बनाऊँ। कालिका माता का मंदिर है, जय हो माते। और हम चलते हैं नीचे को अभी। लोकेशन ढूंढने में तो काफ़ी तेज है वैसे, तो मैं बहुत पहले ही ढूंढ लेता हूँ ऐसी लोकेशन। तो गुफा जाने का मौका,
यहाँ पे गर्म हो रहा है पता है, इधर को आओगे तो गर्म हो रहा है, नीचे को आओ गर्म होगा देखो, तो गर्म फील हो रहा है यार भाई ऐसी जगह पे आए थे तो। तो ऐसा कुछ व्यू है यार, देख सकते हो रहस्यमय गुफा है भाई यहाँ पे, अंतिका जी है। तो यहाँ बहुत सारे बैटमैन है, गाने में डर लग रहा है भाई, तो यहाँ हमारी कई सारे हैं ये तो डरा रहे हैं भाई हम नीचे से तो जाएंगे नहीं हम, तो हम इतना ही जाएंगे। सबके मेरी जितनी भी YouTube फैमिली है सबके दुख दर्द दूर कर देना भगवान, बस 1 मिलियन कर दो प्रभु, 1 मिलियन सब्सक्राइबर पर बर्थडे के दिन में काफ़ी अच्छी लोकेशन आया यार, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो थैंक्स टू ये आज ये भाई, तो हमने सब ने मिल के प्लान बनाया हुआ था, तो हमने सोचा नहीं था कि हम लोग पहुँच पाएंगे यहाँ करके, तो हमने बहुत रिसर्च करी पहुँचे, हमारा अचानक से प्लान बना था भाई, अचानक से बनते ऐसे प्लान, मगर ऐसी जगह हर कोई नहीं, हर कोई बिना मन्नत मांगे नहीं आ सकता है भाई ऐसी जगह, ये जब आपका आना लिखा होगा आप तभी आ सकते हो ऐसी जगह, बड़े बड़े धाम में। तो जय हो भगवान, आप सभी लोगों के फैमिली को खुश रखे मैं आशा करता हूँ, और सबके लिए दुआ भी करता हूँ भाई, मेरे जितने भी YouTube फैमिली है उन सभी के दुख दर्द दूर हो जाए भाई। तो चलते हैं अब, काफ़ी मस्त भाई लोगों के साथ दिन अच्छा भी था, तो अब हम चलते हैं इधर वाली गुफा में। तो कैसा लग रहा है फिर आपको? बहुत ही बढ़िया लगा भाई, शांति मिल रही है, शांति मिल रही है भाई, काफ़ी अच्छा लगा। अच्छा तो आप भी खाओगे कुछ? हाँ सर खिलाओगे आप? तो लीजिए, ये भाई प्रसाद दे रहे हैं हमें, प्रसाद दे रहे हैं, भगवान का प्रसाद है, चलो चलिए आओ लाओ कैमरा। तो भाई साहब क्या लोकेशन है दिखाता हूँ, और अब चलते हैं थोड़े करीब को भाई साहब, क्या अलग ही दुनिया है भाई, जिसको बोलते हैं अलग ही दुनिया। तो देखो ये झरना, तो काफ़ी खुशी हुई मुझे यहाँ पहुँच के भाई, मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं करा था कि ये लोकेशन इतनी मस्त होगी, और ऐसी जगह आने का मौका मिला, तो ताको मैं नमन करता हूँ कि आपने मुझे आज का दिन सबसे खूबसूरत दिया, और अपने चरणों में आने का सौभाग्य दिया मुझे माता। तो भाई जो पॉजिटिव एनर्जी के वो होता है ना अंदर से, वो फील कर सकता हूँ मैं यहाँ पे। और तो भाई लोगों पूरी दुनिया घूम के आज सेल्फी पॉइंट पहली बार देखा मैंने अपनी ज़िंदगी में, कि सेल्फी पॉइंट सुसाइड पॉइंट देखा था हल्द्वानी में, बट यहाँ पे कोई है सेल्फी पॉइंट भाई तो यहाँ पे से कुछ ऐसा नज़ारा दिखता है बोलते हैं, देखते हैं बोलते नहीं भाई, दिखता है यहाँ से, दिखता है तो मेरे को दिखा पाओगे क्या? क्या खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है ना, खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है, प्लीज़ कमेंट आंसर कमलेश व्लॉग्स। तो अब इस वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना करके हम इस वीडियो को कर देते हैं यहीं पे एंड, तो मैं होप करता हूँ आप सभी लोगों को मेरा बर्थडे ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो डू लाइक शेयर कॉमेंट्स एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड स्टे ट्यून गाइज, और ऐसी खूबसूरत जगह अभी आते रहेंगे और भी ब्लॉग्स में, तो हम बागेश्वर को एक्सप्लोर करते रहेंगे और दिखाते रहेंगे आप लोग को, तो सब सेफ रहें और हेल्दी रहें, बाय बाय।